दोस्तों हर्पी सिफिलिस क्या सिर्फ सेक्स करने से होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिलेगा। हर्पी सिफिलिस एक एसटीडी बीमारी है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, लेकिन जरूरी नहीं है वो सिर्फ आपके सेक्स करने से हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे फंस जाते हैं शादी कर या ऐसे चीजों में, उसको घृणा से देखा जाता है कि ये किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सेक्स करके आया है कि इसको जिसे हर्पी सिफिलिस हुआ है, यानी कि कोई गंदे इंसान के साथ या कोई ऐसी वैसी व्यक्ति के साथ या प्रोस्टिट्यूट के साथ, तो इसलिए इसको सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज कहा जाता है। लेकिन इस ऐसे व्यक्ति को भी ये बीमारी हो सकती है, जैसे कि आपके दोस्त को है और वो आपके साथ रह रहा है और उसके छाले हैं, उसके छालों का पानी आप पर लग चुका है, उसकी वजह से भी आपको हर्पीस सिफिलिस हो सकता है। दूसरा, आप कोई कॉमन बाथरूम यूज कर रहे हैं, कॉमन टॉयलेट यूज कर रहे हैं, वो भी वेस्टर्न टॉयलेट, इसलिए इंडियन टॉयलेट जब से बेस्ट होते हैं वेस्टर्न टॉयलेट से, क्योंकि इससे कोई बीमारी नहीं फैलती है। वेस्टर्न टॉयलेट में क्या होता है कि अगर आपको हर्पीस तो वो क्या हो, आप बैठे हो उसके ऊपर और वहीं दूसरा व्यक्ति जिसको हर्पीस सिफिलिस नहीं है, तो वो अगर वहां जाकर बैठता है तो वहां चांसेस बन जाते हैं। तो हर्पीस सिफिलिस नॉर्मल सी चीज है, एक सिर्फ सेक्स करने से निकलता है। तो दोस्तों अगर आप भी हर्पीस सिफिलिस से परेशान हैं और आपको ऐसे घृणा की तरफ से देखा जा रहा है, लोग आप पर ताना कस रहे हैं कि आपने तो ऐसे वैसे, तो जरूरी नहीं है आपने किसी के साथ सेक्स किया है। तो ये वीडियो उनको दिखाइए, इनको बताइए, देखिए डॉक्टर बता रहे हैं, मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, काफी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं हम एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में भी और अदर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के बारे में, और इसका हम परमानेंट इलाज भी देते हैं, जैसे कि अंग्रेजी दवाएं में इसका कोई इलाज नहीं है, कहीं भी नहीं है, चाहे आप कहीं पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में घूम के आ जाइए, तो हम इसका आयुर्वेद में इलाज दे रहे हैं बिना साइड इफेक्ट के, सबसे बेस्ट। अगर आप भी ठीक होना चाहते हैं, अगर आप भी इससे बचना चाहते हैं, अगर आप भी इस बीमारी को खत्म करना चाहते हैं, तो आप हमसे इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं एनी टाइम कभी भी, या अपनी रिपोर्ट मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा वादा है आपकी जिंदगी में वापिस हर्पीस सिफिलिस जैसी गंदी बीमारी को आपकी लाइफ में टच भी नहीं करने दूंगा।